हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? होप आप लोग सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं फिर से एग्ज़ाम के बाद आप लोगों के समीप आऊँगा, फिर से यूट्यूब चैनल पे आऊँगा और नए नए वीडियोज़ बना करके आप लोगों को सामने रखूँगा। तो मैं अपने वादे के अनुसार वापस आ गया हूँ और हम लोग सब जानते हैं कि नीट एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और इस बार का नीट कैसा रहा ये सब किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप लोगों में से जितने लोग देख रहे होंगे, कुछ तो नीट के ही कैंडिडेट होंगे जो जिन्होंने इस बार दिया होगा, और कुछ होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि नीट क्या है। तो जिनको नहीं पता है वो जान लें, नीट एक मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसमें MBBS BDS सीट मिलती है क्वालिफाई करने के बाद, गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी। और जो लोग जानते हैं, जो कैंडिडेट रह चुके हैं, अगर एग्ज़ाम अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास अभी भी सफिशियंट टाइम है और आप नेक्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार रह सकते हैं। इसलिए अब यही मन में लेके चलना है कि अगर 200 300 के करीब आपके मार्क्स हैं, 400 के करीब भी आप अगर आपके मार्क्स हैं, तो बस आप अपनी तो तैयारी शुरू कर दीजिए। जिनके 570 580 590 के करीब मार्क्स हैं वो लोग तो फिर भी काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं, तो चांसेस बनता है कि उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाए। तो यही कहना था। और जहाँ तक मेरी बात है, तो मैंने इस बार एग्ज़ाम स्किप कर दिया था क्योंकि लॉकडाउन के कारण मैं घर पर रह गया था, लेकिन अभी मैं कोटा में नहीं हूँ, मैं घर पे हूँ और घर पे ही रह के प्रिपरेशन कर रहा हूँ और स्टडी जारी है। अगली बार मैं तो फॉर्म भर रहा हूँ। सजेस्ट तो मैं आप लोगों को भी करूँगा कि आप भी फॉर्म भरेंगे अगली साल और अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। इस बार का एग्ज़ाम मैक्सिमम का अच्छा नहीं गया और जिनका अच्छा गया उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यही कहना था और ये तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, और नेक्स्ट टाइम अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा नीट से रिलेटेड ही। थैंक यू।